गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक के लास्ट वीडियोज में हमने प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट का स्टडी कर लिया ऑन एसी सप्लाई, उसका बिहेवियर क्या होता है एसी सप्लाई पे। अब हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि अब कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब कि सीरीज आरएल सर्किट, सीरीज आरसी सर्किट और सीरीज आरएलसी सर्किट ऑन अ सिंगल फेज एसी सप्लाई पे किस तरीके से बिहेव करता है, उस टाइम हमको क्या क्या प्रॉपर्टीज दिखेंगी, कौन कौन से फार्मूले जनरेट होंगे जिनको हमको यूज करना है उस पर्टिकुलर सर्किट के लिए। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए सिंगल फेज का सीरीज आरएल सर्किट। तो सीरीज आरएल सर्किट में तो इसको पहले किस तरीके से डिस्कस करेंगे इसके बारे में बताएंगे, सर्किट के बारे में वो पहले हम बताएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे मतलब आपको बताया जा रहा है इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करेंगे। आ सिंगल फेज एसी वोल्टेज ऑफ बी वोल्ट ऑफ स्मॉल एफ आर फ्रीक्वेंसी इज अप्लाइड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरली रजिस्टिव एज वेल एज प्योरली इंडक्टिव सर्किट। क्लियर, हम क्या बात कर रहे हैं कि सिंगल फेज सीरीज सर्किट का सप्लाई वोल्टेज बी वोल्ट का है, जहाँ पे उसकी फ्रिक्वेंसी एफ हर्ट्ज है, जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं एक सीरीज कम्बिनेशन में, जहाँ पे एक प्योरली रजिस्टिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट है। ठीक, वेयर रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस सर्किट इज कैपिटल आर एंड इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टिव एलिमेंट इज कैपिटल एल। बिकॉज ऑफ अप्लाइड वोल्टेज एंड सप्लाई करेंट फ्लो थ्रू दीज कम्बिनेशन, सप्लाई करेंट कैपिटल आई फ्लो थ्रू दीज कम्बिनेशन। ठीक, मतलब इस वोल्टेज के कारण एक सप्लाई करेंट फ्लो करता है इस एलिमेंट के थ्रू, एंड बिकॉज ऑफ दैट मतलब सप्लाई करेंट के कारण अब वोल्टेज ड्रॉप अकर्स अक्रॉस ईच एलिमेंट, मतलब सारे एलिमेंट के अक्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप अकर होता है। वेयर वेयर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टिव एलिमेंट कामा वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर, जहाँ पे वी आर की वैल्यू क्या होगी आई इंटू आर, एंड वोल्टेज अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टिव एलिमेंट इज वी एल दैट इज इक्वल टू आई इंटू एक्स एल, जहाँ पे एक्स के साथ एल सफिक्स है। क्लियर है, ये हो जाएगा हमारा सर्किट के एक्सप्लेनेशन की एक सिंगल फेज सीरीज सर्किट है, जहाँ पे हम एक सिंगल फेज की सप्लाई वी वोल्ट की और स्मॉल एफर्ट्स फ्रिक्वेंसी का अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, जहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज के कारण एक एसी करंट फ्लो करने लगता है उस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन के सर्किट में, सीरीज कॉम्बिनेशन का सर्किट में प्योरली रेजिस्टर प्योरली इंडक्टिव एलिमेंट है। ठीक, और उस सप्लाई करंट के क्रॉस के फ्लो होने के कारण रेजिस्टिव एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप वी आर है और इंडक्टिव एलिमेंट के क्रॉस का ड्रॉप वी एल है, जहाँ पे वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर लिखेंगे और वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्स लिखेंगे। नाउ फेजर डायग्राम, तो फेजर डायग्राम में अब हमारे पास कौन कौन से वैल्यूज हैं, वोल्टेज एंड करंट
VR और VL, सप्लाई वोल्टेज V है, सप्लाई करंट I है, वोल्टेज ड्रॉप VR है, वोल्टेज ड्रॉप VL, इतने सारे हैं, तीन के बारे में बात करें। तो अब हमारे पास कितने क्वांटिटी हैं, एसी क्वांटिटी, चार एसी क्वांटिटी। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे जिसको फेजर डायग्राम कहेंगे। उस फेजर डायग्राम में हमने आपको बताया था कि फेजर डायग्राम जब भी ड्रॉ होता है तो एक रेफरेंस फेजर होना चाहिए और उस रेफरेंस फेजर को हमेशा हॉरिजॉन्टली ड्रा करते हैं। तो जब क्वांटिटी किसी सर्किट के लिए ड्रा करते हैं, जब फेजर डायग्राम किसी सर्किट के लिए ड्रा करते हैं तो उस क्वांटिटी को हम रेफरेंस फेजर के तौर पे यूज करते हैं जो सब में कॉमन हो। ठीक, तो अब आपको पता है कि सीरीज सर्किट में कॉमन क्या होता है, करंट। तो करंट को हम क्या करेंगे, रेफरेंस लेंगे। ठीक, करंट को रेफरेंस ले लिए। अब बात करेंगे क्या, करंट बना लिए। अब वी को आप डायरेक्ट नहीं शो कर पाएंगे, पहले इस आई के कारण क्या होगा, वी आर और वी एल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी आर मतलब जब हम इसको केवल इतने को देखेंगे तो एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह देखेंगे। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट कहाँ था, सेम लाइन में था। वी आर को सेम लाइन में ड्रॉ कर देंगे। VR को सेम लाइन में ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद जैसे ही ये करंट आगे बढ़ेगा तो इसके लिए एक नया ड्रॉप होगा जिसके लिए VL, उस VL को रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे हम, यहाँ। क्योंकि सप्लाई करंट से सप्लाई वोल्टेज क्या करेगा, लैग नहीं लीड करेगा, सॉरी करंट लैग करता है, ये क्या करेगा, लीड करेगा। सप्लाई करंट से सप्लाई वोल्टेज लीड करेगा प्योरली इंडक्टिव के केस में, यहाँ होगा VL। अब VR और VL का जो रिजल्टेंट वो भी है, तो रिजल्टेंट को शो करने के लिए हम पैरेललोग्राम मेथड का यूज करेंगे। ठीक, पैरेललोग्राम मेथड का यूज कर करके हम एक इसके पैरेलल लाइन खींच देंगे जो कि VL कहलाएगा, एक इसके पैरेलल लाइन खींच देंगे जो कि VR कहलाएगा। और यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा दोनों VR और VL को, वहीं से रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिजल्टेंट वोल्टेज V हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा फेजर डायग्राम। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड एंगल लेफ्ट हैंड एंगल फाई बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट, लेट एन एंगल फाई बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट कैपिटल आई, सप्लाई वोल्टेज क्या है कैपिटल वी। तो यहाँ पे एक एंगल हम लोग लेट करेंगे फाई, यहाँ पे क्या दिखेगा, दैट एंगल इज known as phase angle, यहाँ पे एक एंगल हमने लिट किया है सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के बीच में, इसको phi से डिनोट किया गया, उस एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, फेज एंगल। ठीक, ये जाएगा फेज एंगल। बाय द फेजर डायग्राम by the phasor
diagram, we can say supply current capital I lags by supply voltage capital V by phi angle. ठीक, ये हम लोग इस फेजर डायग्राम से कह सकते हैं कि जो सप्लाई करंट है वो अपनी सप्लाई वोल्टेज से फाई एंगल क्या करेगा, लैग करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टेज ट्रायंगल। ये सब पॉइंट वाइज है, ये पॉइंट है फेजर डायग्राम पॉइंट है और ये भी आपका एक पॉइंट है वोल्टेज। तो वोल्टेज ट्रायंगल में क्या करते हैं, इस पोर्शन को हम लोग फेजर डायग्राम से साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, VR है, यहाँ पे क्या है, VL है और ये क्या है, V है। तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल जिसको समत्रिभुज कहते हैं आप, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए रिजल्टेंट किस तरीके से लिखते हैं, नाउ सप्लाई वोल्टेज कैपिटल वी इक्वल टू रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी इक्वल टू वी आर हमने बताया यहाँ पे आई इंटू आर है, वी एल क्या बताया आई इंटू एक्सएल है, आई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्सएल का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, बाहर ले लेंगे आई आ जाएगा, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करेंगे द टर्म रूट ओवर आर ओवर प्लस एक्सएल स्क्वायर इन द अबव एक्सप्रेशन, इन द अबव एक्सप्रेशन इज नोन एज इंपीडेंस। ये नया टर्म है इंपीडेंस, इंपीडेंस जेड ऑफ आर एल सीरीज सर्किट, इट इज डिनोटेड बाय जेड एंड मेजर इन ओम। ठीक, क्या बताया जा रहा है कि पहले हम वोल्टेज ट्रायंगल बनाएंगे, वोल्टेज ट्रायंगल बनाने के लिए हमने फेजर डायग्राम से ये पोर्शन कट कर लेना है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे वीआर को रिप्रेजेंट करेंगे, वर्टिकल लाइन पे वीएल को और रिजल्टेंट लाइन पे वी को। तो ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए रिजल्टेंट किस तरह लिखते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल का रिजल्टेंट क्या है, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज वी इक्वल टू रूट ओवर वीआर स्क्वायर प्लस वीएल एक्सएल, वीआर स्क्वायर प्लस वीएल स्क्वायर। वीआर की वैल्यू हमको पता है, इनटू आर पुट कर देंगे तो रूट ओवर आई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वीएल का भी वैल्यू पता है आई एक्सएल, उसकी वैल्यू रख देंगे तो प्लस आई एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो नाउ नाउ V इज इक्वल टू आई इंटू जेड, वेयर जेड इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये कह सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे इसी के साथ साथ, इंपीडेंस ट्रायंगल। तो ये कहाँ का ग्राफ है, आईआर मतलब रेजिस्टिव एलिमेंट का, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आर को शो कर देंगे। ये कहाँ का ग्राफ है, इंडक्टिव एलिमेंट का, तो इस पे क्या शो कर देंगे, एक्सएल को,
और ये क्या है ओवरऑल का, तो ओवरऑल पे जेड, और यहाँ पे एंगल क्या है फाई है, ये भी फाई है, ये भी राइट एंगल का एंगल है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं इम्पीडेंस जेड इक्वल टू आपका वही आएगा जो आपको बताया गया अभी इससे पहले, ठीक, जेड इक्वल टू दिस। अब बात करेंगे क्या पावर फैक्टर का, तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है इट इज डिफाइंड एज अ कोसाइन ऑफ द एंगल, इट इज डिफाइंड एज अ कोसाइन ऑफ द फेज एंगल बिटवीन सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट। क्या बताया जा रहा है पावर फैक्टर को किस तरीके से डिफाइन किया गया है, कि जो पावर फैक्टर होता है वो कोसाइन होता है किसका, फेज एंगल का, जो कि सप्लाई वोल्टेज सप्लाई करंट के बीच में पाया जाता है, ठीक। इसको यहाँ पे इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं, इट इज डिफाइंड एज अ कोसाइन ऑफ फेज एंगल, फेज एंगल को पाई से लिख रहे हैं, बिटवीन सप्लाई वोल्टेज कैपिटल वी एंड सप्लाई करंट कैपिटल आई, इट इज यूनिट लेस्टर, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस टर्म है, तो कोसाइन ऑफ द एंड डिनोटेड बाय कॉस फाई, तो कॉस फाई जो हम यहाँ से लिख के लिखेंगे, तो कॉस फाई यहाँ से क्या लिखेंगे आर बाई जेड, तो कहाँ से लिखें आप इम्पीडेंस ट्रायंगल से, cos phi वोल्टेज ट्रायंगल को देख के लिखेंगे तो क्या है vr by va, ये कहां से लिखेंगे वोल्टेज ट्रायंगल से, तो आप लोग इतनी चीजों की पहले एनालिसिस कर लीजिए, अब इसके आगे और बताना है तो 5 से 10 मिनट आप देख लें फिर आगे डिस्कस करते हैं आपसे।
स्टूडेंट्स आप सब एनालिसिस इसकी कर चुके होंगे, अब आगे बढ़ाते हैं इस कार्यक्रम को थोड़ा। अब इसमें देखेंगे हम लोग फेज एंगल की बात करेंगे। अगर फेज एंगल का कैलकुलेशन करना हो तो कैसे करेंगे हम, तो फेज एंगल हम जान ही रहे हैं किससे डिनोट कर रहे हैं, फाई से। तो फाई तो पहले तो हमारे पास दो फार्मूला पावर फैक्टर का, इसी का इसका यूज करके निकाल सकते हैं। फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स आर बाई जेड कर लीजिए, आर कॉस इनवर्स बी आर बाई बी कर लीजिए, ठीक, इन दोनों में से कोई कर लीजिए। ये किस हो गया बाई पीएफ, पीएफ मतलब पावर फैक्टर, ये पीएफ पावर फैक्टर वाले फार्मूले से है। अब बात करेंगे फाई इज इक्वल टू टेन फाई, यहाँ से निकाल लें, यहाँ से निकालेंगे तो क्या होता है वी एल बाई वी आर वोल्टेज एंगल से, तो यहाँ से फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे टेन इनवर्स वी एल बाई वी आर बाई वोल्टेज एंगल बी टी, बी टी मतलब वोल्टेज एंगल। इसी तरीके से टेन फाई लिखेंगे अगर हम इम्पीडेंस एंगल से तो क्या लिखेंगे एक्सएल बाई आर, यहाँ से फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्सएल बाई बाई जेड टी, जेड टी का मतलब सॉरी जेड टी का आई टी, आई टी का मतलब इम्पीडेंस एंगल, आई टी का मतलब इम्पीडेंस एंगल। ये है आपका फेज एंगल। अब बात करेंगे पावर निकालने का, ठीक, नहीं सॉरी एक्सप्रेशन फॉर वोल्टेज एंड करंट की बात करेंगे। एक्सप्रेशन फॉर सप्लाई वोल्टेज एंड करेंट, अगर एक सेट हमारा ये होगा कि बी क्या एक्सप्रेशन बी इक्वल टू बी मैक्स साइन ओमेगा टी है, उसके रिस्पेक्ट में करंट का जो एक्सप्रेशन आएगा आई मैक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस फाई आएगा, ठीक। फर्स्ट सेट जहां आई मैक्स की वैल्यू क्या होगी बी मैक्स बाई जेड होगा, और जेड की वैल्यू क्या होगी बी मैक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर से आ जाएगा, ठीक। सेकंड सेट अगर वी की वैल्यू, अगर हमको करंट एक्सप्रेशन पता है आई की, आई इज इक्वल टू साइन आई मैक्स साइन ओमेगा टी, तो उसके रिस्पेक्ट में वी का जो एक्सप्रेशन लिखेंगे वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखेंगे, ये सेकंड सेट है। इस जब हम बी मैक्स अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो आई मैक्स इंटू जेड कर लेंगे, इस तरीके से हमारा एक्सप्रेशन फॉर द सप्लाई वोल्टेज एंड सप्लाई करंट आ जाएगा इस सर्किट के लिए, सीरीज आर एल सर्किट के लिए। अब बात करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की, इंस्टेंटेनियस पावर स्मॉल p इक्वल टू स्मॉल v इंटू स्मॉल i, या तो इस फर्स्ट सेट को इक्वेशन ले लेंगे या तो सेकंड सेट का, तो फर्स्ट सेट का लेंगे v इक्वल टू क्या लिखेंगे p इक्वल टू v का एक्सप्रेशन क्या है v मैक्स साइन ओमेगा टी है, आई का एक्सप्रेशन क्या है आई मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस आई है, जहां मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई कर देंगे वी मैक्स आई मैक्स टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक। अभी क्या हो जा रहा है टू साइन ए इंटू साइन बी, तो टू साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो उसके हिसाब से खोल लेंगे वी मैक्स आई मैक्स बाई टू
एक यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, मतलब ओमेगा टी माइनस फाइव कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव, वी मैक्स आई मैक्स बाई टू, यहाँ बचेगा कॉस फाइव, यहाँ क्या बचेगा कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक, किसके बराबर आ रहा है, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू। अब टोटल पावर की बात करेंगे, टोटल पावर पी इज इक्वल टू एवरेज ऑफ स्मॉल पी, एवरेज ऑफ स्मॉल पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है वी मैक्स आई मैक्स बाई टू इंटू कॉस फाई है, फिर माइनस एवरेज ऑफ वी मैक्स आई मैक्स बाई टू इंटू कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक, इसका इसमें वेरिएबल टर्म है तो इसका एवरेज कंप्लीट साइकिल के लिए जीरो। इसके लिए क्या जाएगा, P इज इक्वल टू टू को ब्रेक कर लेंगे आई मैक्स रूट टू में इंटू कॉस फाइव, जहाँ पे क्या जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, और P इज इक्वल टू क्या जाएगा वी आई कॉस फाइव, वेयर कैपिटल V एंड कैपिटल I इज इन आर एम एस फॉर्म। ठीक, ये है आपका। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये पावर निकालना है, तो पूरे सर्किट में यही सब है आपका कि पावर किस तरह निकालना है, फिर डायग्राम क्या होगा, वोल्टेज एक्सप्रेशन क्या होगा, ये सीधी चीज़ों को आप थोड़ा समय देंगे, दोबारा इन वीडियोज़ को रिपीट कर करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे किया गया है, कैसे निकाला गया है, क्या होना चाहिए इस सर्किट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।